जो सा टीचर सांथाली पढ़ाता है फर्स्ट लैंग्वेज वही हिस्ट्री पढ़ाता है वही जियोग्राफी पढ़ाता है वही मैथामेटिक्स पढ़ाता है मैथामेटिक्स के लिए हिस्ट्री के लिए जियोग्राफी के लिए कोई अलग टीचर नहीं है धर्म धर्म तो घर का बात है ये 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 क्या बोलते हैं ये जब कोड मिले कि ना मिले सबको अगर कोड ना मिले तो क्या फर्क पड़ता है नाइन्टी ट्राइबल हिंदू को धर्म मान लिया है 99 तो थोड़ा भी कम हो सकता है। नमस्कार मैं भी भारत में आपका स्वागत है आज हम मिलेंगे संथाल नेता कुनार हेमरोम जी से कुनार हेमरोम जी बंगाल के झाड़ग्राम से सांसद हैं कुमार हेमरूम है जी आपको स्वागत है मैं भी भारत में थैंक यू आप एक झाड़ग्राम के एक छोटे से संथाल गांव से बिलोंग करते हैं आपके जो पिताजी थे वो दहरी आप मजदूर थे और उस एक संथाल विलेज से उठ के आना पढ़ाई करना और फिर से आईआईटी में जाना और उसके बाद राजनीति में आके सांसद बनना कितना संघर्षपूर्ण आपकी जिंदगी रही है पहले तो हम अमलोक का जो देवता है चंदोमंगा है इनको हम पहले सराहना देता हूँ जैसे मेरा गांव मोराबांदी है मोराबांदी एक पहले झारखंड का हुआ करते थे अभी भी झारखंड में ही है वहाँ हम लोग का थोड़ा सा खेती बाड़ी था लेकिन मेरा ताओ ताओ जी से मेरा पिताजी का किसी कारण में झगड़ा हुआ है उस टाइम हम लोग बहुत छोटे थे उसके बाद फिर हम मामाबाड़ी में आ गए वहाँ से ही मेरा यात्रा शुरू हुआ है और वहाँ आके मामाबाड़ी में हम लोग का कोई खेती बाड़ी नहीं था इसीलिए पिता माता को डेली लेबर का काम करना पड़ता था ये डेली लेबर का काम करते करते मेरे को स्कूल में दिया गया हम लोग का वहाँ स्कूल आसपास वही एक ही स्कूल था हम लोग का तो उस टाइम जो जो प्री प्राइमरी स्कूल का कोई हम लोग का चिंता भावना भी नहीं था आई सी सी सेंटर भी उस तो उस टाइम तो नहीं था लेकिन हम लोग जो प्राइमरी स्कूल में शुरू वो पास के गांव में वहाँ जाते थे हाँ हमारा गांव में बहुत कम बच्चा हम लोग जाते थे वहाँ जाते थे मुश्किल से पूरा गांव में हम लोग का चालीस पचास फैमिली रहता है उसमें पाँच छः हम लोग बच्चे वहाँ जाते थे लेकिन हम लोग का वहाँ जो जाते जाते पैदल में हम लोग का जाना आना पड़ता था 83 में मैं जॉइंट एंट्रेंस के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस दिया है आई के लिए मेरा टाइम तो आई आई टी पाँच था वो पाँच एक ही एक ही साथ एंट्रेंस होते थे एनी हुए एनी वे मैंने एनी वे आई द चांस वो खाने पढ़ने पढ़ार जन चांस पाए सिविल इंजीनियर भर्ती हुई जी जो आपने आईआईटी से पास आउट किया आप आप कह रहे हैं कि आपके गांव में पढ़ने लिखने की इतनी सुविधा उस टाइम पर नहीं थी तो आपके फैमिली में शायद आप आ, अकेले इस तरह से आगे निकल के आए तो कैसा माहौल था आपको क्या इंकरेजमेंट कहाँ से मिली आपको देखिए इंकरेजमेंट पूरा गांव से किसी के पास तो इतना नुहा पता ही नहीं था कि कहाँ पढ़ना है कैसे पढ़ना है स्कूल के बाद कहाँ जाना है किसी के पास ये तो पता नहीं था लेकिन हम लोग का जो स्कूल है स्कूल का भी बेसी खास सब टीचर को भी मालूम नहीं था नहीं। नहीं। आ, लेकिन दो एक टीचर को मालूम था था लेकिन उस टाइम हम लोग का क्या कलकत्ता से भी ज़्यादा संपर्क नहीं था झाड़ग्राम मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है उससे भी संपर्क नहीं था क्योंकि ये बहुत रिमोट एरिया है जंगल, जंगल से घिरा हुआ जगह है वहाँ से किसी को आगे क्या एडवाइस देना है ज़िंदगी में तो मैं किसी से एडवाइस आपकी तो मिला मिला भी नहीं है जो हमने जो तय तय किया वही है मेरा पिता माता को एडवाइस देने के लिए उनका तो क्या है यही नहीं है क्योंकि डिलीवर का खाना जो पीना जोड़गाड़ करने में तो उनका दिल निकल जाते थे उसको मैं बच्चा को क्या पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा हम लोग का चार भा, भा, भाई बहन है चार दो भाई आ, दो बहन है मेरा उसमें मैं ही पढ़ा अभी तक मेरा भाई थोड़ा सा टेंथ तक पढ़ा है जो हमारा बहन है वो लोग एक अक्सर भी लिखने नहीं जानते थे मेरा पिता पता भी ऐसी है लेकिन क्या करें परिस्थिति ऐसी है आई आई खरगपुर से आपने इंजीनियरिंग की और फिर उसके बाद आपने कई साल इंजीनियरिंग की नौकरी भी की और उसके बाद आप राजनीति में आए आज आप सांसद हैं तो आपको ये जो आपकी जर्नी रही तो क्या आपको लगता है कि एक संथाल परिवार से उठ के जब आप सांसद बनते हैं तो आप जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में ज़्यादा काम कर सकते हैं या उनसे उम्मीद ट्राइबल्स की उम्मीद भी आपसे काफ़ी जुड़ी हुई है कि उनमें से कोई अगर सांसद बने तो उनकी बातें या संसद तक पहुँचेंगी सरकार तक पहुँचेंगी उनके लिए पॉलिसीज बना बनाई जाएगी आपको क्या लगता है देखिए आज आपका इंडिपेंडेंस सेवेंटी फोर पार हो चुका है मेरा जो संसदीय क्षेत्र है झाड़ग्राम ये रिजर्व सीट है यहाँ से शुरू से कोई ना कोई सांतल संसद होकर यहाँ आया है लेकिन आज तक तो किसी ने संसद के संसद में वहाँ एरिया के बारे में डेवलपमेंट के बारे में सांतल लोगों को बारे में कुछ चर्चा नहीं हुआ है कुछ खास काम भी नहीं हुआ है इसीलिए मैं सोचा है जो अगर चांस मिला तब संसद में मुझ में कुछ बात हमारा कुछ बात वहाँ उठा सके हम संग, हम लोग का जो कम्युनिटी है वहाँ का जो दूसरा एस कम्युनिटी है मुंडा है भूमिज है सांथल है इन लोग को कुछ काम कर सके ये हम मेरा थोड़ा सा दिमाग में था मैं राजनीति से कभी जुड़ा नहीं था लेकिन मैं सामाजिक संगठन से स्कूल लाइफ से मैं जुड़ा हुआ था देखते हैं इधर उधर जो बहुत सारे काम है पहले हम लोग का जो काम था जो सांथल का जो डिमांड था शुरू से ही वो है हम लोग का जो सांथाली लैंग्वेज उसका डेवलपमेंट हो इस डेवलपमेंट के बारे में अगर संसद में अगर इसको रिकॉग्निशन ना मिले संविधानिक रिकॉग्निशन ना मिले तो कोई कुछ काम नहीं हो सकता है इसीलिए हम लोग सांथल लोगों जैसे झारखंड जा, में सांताल है उड़ीसा में है आसाम में है बिहार में है पश्चिम बंगाल में है लेकिन ज, हम लोग का कॉमन स्क्रिप्ट कॉरम स्क्रिप्ट नहीं होते झारखंड में जो चर्चा होता है देवनगर में चर्चा है तो उड़ीसा में उड़िया में चर्चा होता है और बंगाल में बंगाली स्क्रिप्ट इसी लिखे चर्चा है और कुछ लोग रोमन स्क्रिप्ट यूज करता है इसीलिए हम लोग का आपस में हम लोग आ, मिल नहीं सकता था कोई अच्छा किताब लिखा कोई अच्छा भावना दिया है कि हम लोग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि इंटरचेज का स्कोप नहीं था हम लोग का जैसे स्क्रिप्ट कोई अच्छा किताब लिखा है उड़िया में उड़िया स्क्रिप्ट में हम तो बंगोली बंगाल का जो लोग हैं हम लोग को पढ़ पढ़ नहीं पता है अब अगर बंगाल का कोई लिखा है अच्छा किताब लिखा है वो बिहार का जो ये है साथाल नहीं पढ़ पाता है तो आपने एक डिक्शनरी भी डिक्शनरी हाँ। पे भी आपने काम किया है आलची की स्क्रिप्ट है संथाली लैंग्वेज है तो ये काम आपने कैसे स्क्रिप्ट? ये स्क्रिप्ट ऑलची की उन्नीस में पंडित रघुनाथ मुर्मू हाँ। जो हाँ। उड़ीसा का हाँ। है हाँ। उड़ीसा का, का उन्होंने इसको डेवलप किया है पहली बार नाइनटीन ट्वेंटी में लेकिन काम तो नहीं बना उस टाइम तक उसीलिए वो ऑल इंडिया एक संस्था बनाया ऐसे का आदिवासी सोशियो एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी ये संस्था इसी लिपि को पूरा बंगाल उड़ीसा झारखंड में ये लोग का प्रसार प्रचार का काम करता था इसी में हम जुड़ा हुआ था लेकिन स्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट में तो कुछ नए काम बनता था जब तक तो नई लैंग्वेज रिकॉग्नाइज ना मिले तब तक तो, तो काई, काई काम नहीं हो सकता है वो वक्त भी आ गया 2003 में अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम सांताली लैंग्वेज को और बोडो मैथिली और जो आ, ये था चार लैंग्वेज को उस लाइम संसद में आ, लाया गया वो रिकॉग्निशन भी मिल गया है और भारतवर्ष में लगभग सेवन हंड्रेड प्लस ट्राइब्स है सेवन हंड्रेड प्लस उसमें सिर्फ दो ही लैंग्वेज आदिवासी का एक संथाल एक बोडो ये दो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हुआ इंक्लूड होने के बाद हमारा संथाल कम्युनिटी में एक इस जगह है जो हम लोग का भी अभी शिक्षा का प्रसार होगा एजुकेशन का प्रसार होगा लेकिन आज तक तो केंद्रीय सरकार इसके प्रचार प्रसार में कार्य नहीं सोचा है हम इसको बाद में उठाया था पश्चिम बंगाल में 2003 से काम चालू हुआ है लेकिन आठ नौ से संथाली मीडिया में पढ़ाई चालू हुआ है अभी वन टू लेके अभी कॉलेज तक तो पहुंचा है टोटली संथाली लैंग्वेज और इसी जैसे काम स्पीड अप हो इसीलिए मैं 2003 में की स्क्रिप्ट को कम्प्यूटराइज फंड रूप दिया है बनाया दो हज़ार तीन में वो फंड बना के हम लोग वहाँ एक प्रेस भी किया मार्शल कंप्यूटर प्रेस उसी प्रेस में हम पश्चिम बंगाल का जितना किताब है साथाली में की स्क्रिप्ट में झारखंड का भी बहुत लोग यहाँ आता है उड़ीसा के भी बहुत लोग आते हैं यहाँ से प्रिंट करके लेके जाता है हम पश्चिम बंगाल सरकार के पूरा किताब जितना भी पढ़ाई का चल रहा है वहाँ हम लोग समस्त पूरा मास्टर प्ले मास्टर प्लेट जो है मास्टर कॉपी जो है वहाँ बनाया है उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार क्योंकि ये ख़ास देखने को मिलता है कि आ, सरकार पॉलिसीज़ तो बनाती है एडुकेशन के लिए भी काफ़ी काम करती है पर जो ग्राउंड लेवल पे है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता वो हम देख रहे हैं कि अगर मातृभाषा या मदर टंग पे अगर आपके पढ़ने के सुविधा हो मीडियम हो तो ट्राइबल बच्चे भी एडुकेशन ज़्यादा अच्छी तरह वो ड्रॉपिंग ड्रॉप रेट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा स्कूल में अगर उन्हीं के लैंग्वेज में टेक्स्ट बुक हो तो इस पर आपने क्या काम किया है देखिए तो? पूरा टेक्स्ट बुक का जो है ना रचना हम लोग ने किया है वहाँ और दूसरा चीज है जो दूसरा बात बताना है जो जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट तो संथाली मीडियम स्कूल तो चला रहा है लेकिन आज तक एक भी सब्जेक्ट को एक टीचर नहीं है जो साउथल टीचर ही पढ़ाता है फर्स्ट लैंग्वेज वही हिस्ट्री पढ़ाता है वही जियोग्राफी पढ़ाता है वही मैथामेटिक्स पढ़ाता है मैथमेटिक्स के लिए हिस्ट्री के लिए जियोग्राफी के लिए कोई अलग टीचर नहीं है आप क्या चाहते हैं कि सरकार केंद्र सरकार करे ताकि ट्राइबल बेल्ट में ट्राइबल्स जो हैं जितने ग्रुप्स हैं उनमें पढ़ाई या एडुकेशन काफ़ी बढ़े आगे लेकिन ये देखती है सरकार का तो पॉलिसी तो है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में रुक जा रहा है जैसे झाड़गाम का अगर बात करें झड़गाम दो साल पहले एक एक्लव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल का एक संस्थान मिला है पैसा भी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का जो मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा से भी मैं बात भी किया है वो जो ठीक है एक एक स्कूल को बंदवान ब्लॉक को दिया गया है लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट तो बात तो बहुत करती है ये आदिवासी के लिए ये कर रहा हो वो कर रहा हूँ लेकिन उनके लिए जमीन नहीं दे रहा है आज जमीन के चलते वो स्कूल बंद पड़ा हुआ है झाड़ग्राम में एक केंद्रीय विद्यालय का भी हम संशन लिया है लेकिन वहाँ भी जमीन नहीं, नहीं मिल रहा है हम डी एम से वे पर संपर्क किया चिट्ठी लिखा है सी को भी चिट्ठी लिखा है आज तक तो कोई रिप्लाई नहीं हुआ है और ये जो सांथाली मीडियम लगभग तीन सौ साढ़े तीन सौ प्राइमरी स्कूल चल रहा है और चालीस लगभग चालीस स्कूल चल रहा है और इसी से लास्ट ईयर से दो तीन कॉलेज चल रहा है लेकिन आज तक तो कॉलेज में कोई सब्जेक्ट या टीचर रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है जितना हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल चल रहा है सारे सर्वशिक्षा मिशन का जो ये है hmm. आ, क्या, क्या बोलता है प्रोविज़न है उसी से चल रहा है आज तक तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का खाता में एक भी टीचर भी नहीं है और अगर आप देखें मतलब आप शहरों में ही देखिए कि ये लॉकडाउन के वजह से डेढ़ साल से दो साल तक कम से कम बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं शहरों में तो ठीक है वो स्मार्टफोन से पढ़ाई करते हैं पर जो रिमोट एरियाज़ है जो ट्राइबल एरियाज में वहाँ के बच्चे तो बिल्कुल भी डेढ़ साल तक स्कूल नहीं जा रहे तो वापस स्कूल जाएंगे या नहीं ये भी नहीं पता तो इसका कोई सॉल्यूशन है क्या सॉल्यूशन तो कुछ नहीं है न अभी क्या करें अभी तो वहाँ कोई सुविधा भी नहीं है अभी आधा टाइम बिजली भी नहीं रहता है दो एक आदमी के दो एक बच्चा के पास स्मार्टफोन रहता है तो वो लोग तो वो, वो भी पढ़ाई नहीं करता है अभी तो पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रहा है अभी एक दो साल तक लेकिन हम जब कहते हैं जे जो संथाली मीडियम के बारे में आज तक एक स्कूल भी क्लासरूम भी नहीं बनवाया नहीं बनाया कहाँ के जहाँ बंगाली मीडियम स्कूल चल रहा है वहाँ एक दो क्लासरूम देके के संथाली मीडियम चल रहा है ऐसे परिस्थिति है हम अपना फर्स्ट संसद तहबिल से छह स्कूल को हम दो चार ठो क्लासरूम करके ते, ते, तीन चार कोटी रु, रुपया हम अपना फंड से दिया है एम पीलेट एमपी पीलेट से वो चल रहा है काम लेकिन जहाँ स्टेट गवर्नमेंट बोलता है जे ये कर रहा हूँ वो वो लो लोग का स्कूल के लिए दो चार क्लासरूम के लिए भी वो लोग खर्चा नहीं करता है सिर्फ भाषण करता है दूसरा कोई तो काम नहीं है टीचर सबसे मुश्किल काम है टीचर आज तक सब्जेक्ट वाइज टीचर नहीं हुआ है मिला है हम संसद दो चार बार संसद भी गया है जैसे हम लोग का टेस्ट बुक कम से कम रचना ठीक से हो अभी जो पहले हम लोग बनाया बहुत उसमें बहुत कुछ ये है मिस्टिक्स भी है उसको ठीक करने के लिए भी बोला भाई ठीक करो एक कम से कम कमिटी बनाइए नो कमिटी नो बोर्ड नो नथिंग यही सांसाली मीडियम चल रहा है चल रहा है कैसे चल रहा है वो भगवान ही जाने लेकिन इसको ऐसे मैं, क्या बोलते हैं शिक्षा दिल्ली का क्या मतलब है क्या यही वजह है कि आ, ट्राइबल आ, जो पॉपुलेशन है वो आ, एडुकेशन उनके बच्चे एडुकेटेड नहीं हो पा रहे इसलिए वो आज भी पिछड़े हैं क्योंकि सरकार पॉलिसीज़ बनाती है पर हमने देखा है कई जगह पे मैं भी भारत की टीम जब बहुत सारे राज्यों में गई ट्राइबल बेल्स में गई भीलों में गई ओड़ाओं में मुंडाओं में भी हमने ये बात देखी है कि जो पॉलिसीज़ बनती है वो ट्राइबल्स के बारे में बिना सोचे बनती है तो इसीलिए वो सारी पॉलिसीज़ ग्राउंड में इंप्लीमेंटेड नहीं हो पाती हैं जैसे आपने कहा कि स्कूल्स uh, तो हैं पर उस भाषा में पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं हैं अगर अगर उनकी जो डेवलपमेंट uh, भी होता है तो उनको सोच के ये डेवलपमेंट नहीं होता है। जैसे हमने देखा कि फॉरेस्ट एक्ट हो या जब विस्थापित होते हैं लोग रिहैबिलिटेट किया जाता है जो गांव से गांव से ऐसे जगह पे उनको जगह दी जाती है जो जहां आसपास जंगल नहीं है तो उनका जो पूरा चेंज लाइफ स्टाइल में हम चेंज देखते हैं आज आप एक सांसद है आप इसके बारे में क्या सोचते हैं सरकार को किस तरह से आप चाहेंगे कि वो काम करें लेकिन देखिए हम भारतीय जनता पार्टी पार्टी का सदस्य हूँ संसद भी हूँ लेकिन हम लोग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में वेस्ट बंगाल में टीएमसी का सरकार चलता है यहाँ से बहुत कुछ जैसे स्कीम तो है प्रोजेक्ट है लेकिन वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है क्योंकि ये केंद्र सरकार बीजेपी का काम है इसलिए वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता है इम्प्लीमेंट नहीं होता है बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे आपको हम बताते हैं बंधन योजना बंधन योजना एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट प्रोजे, ये है स्कीम है जैसे हम लोग का तो जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है फॉरेस्ट एरिया है फॉरेस्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट वहाँ मिलता है हाँ. लेकिन वो उसको वो उस प्रोडक्ट को यूजलेस हो जाता है नष्ट हो जाता है इसी के चलते हुए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से ये प्रोजेक्ट को बनाया है क्योंकि वहाँ का लोकल जो प्रोडक्ट है साल है गेंदु है बोड़ा है की है बहुत सारे प्रोडक्ट है लगभग अस्सी नब्बे प्रोडक्ट है इसको कलेक्ट करके आ, प्रोसेस करके पैकिंग करके मार्केटिंग का व्यवस्था पूरा आ, इसी ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंडर में हो रहा है ट्राइफेड उसका देखभाल कर रहा है लेकिन ये प्रोजेक्ट वहाँ नहीं चल रहे दे रहा है खास करके पाँच हजार रुपया करोड़ पाँच हज़ार करोड़ रुपया को दिया हुआ है पूरा भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल को छः सौ साठ रुपये छः सौ साठ करोड़ रुपया दिया हुआ है इसको काम करने लिए फंड है मनी है रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स है नेचुरल रिसोर्स है सारे कुछ है लेकिन इम्प्लीमेंट का जो ये है रुका पैट है वो वेस्ट बैंगल गवर्नमेंट कर रहा है हम तो सबसे मिला है बात भी किया है चिट्ठी भी दिया है डी एम डी ओफ को चिट्ठी भी लिखा है लेकिन इम्प्लीमेंट कीजिए कम से कम लोकल जो आदिवासी लोग हैं लोदा है सबर है इन लोग का कम से कम ये वैश्विक महामारी में उसको हाथ में कुछ पैसा आ जाते थे लेकिन ये फसल नष्ट हो रहा है प्रोडक्ट नष्ट हो रहा है फिर भी इसको हम लोग काम में नहीं लगा पा रहे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है आज तक तो जो हम लोग का जल जंगल महल में सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और अब अभ, अभी जो हम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ये भी इम्प्लीमेंट करने नहीं दे रहा है तो आपको क्या लगता है राजनीति सबसे बड़ा प्रॉब्लम है राजनीति सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी तो यही देखने को मिल रहा है क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं वो लोग नमाना कर रहा है स्कूल का भी सेंक्शन मिला हुआ है और जो आ, काम जो से बंधन योजना ये सबसे लाभजनक होता था वो भी नहीं कर बहुत सारे प्रोजेक्ट है आज तक तो का जो जितना प्रोजेक्ट है वहाँ जैसे आ, आपका जो प्रधानमंत्री अन्न गरीब अन्न कल्याण योजना का जो प्रोजेक्ट है पाँच के जी का रेस्टा चाल दे जा रहा है वो भी नहीं सबको नहीं मिल रहा है दूसरा जो जो आवास योजना का लाभ वहाँ भी नहीं मिल रहा है पीने का पानी का सुविधा वहाँ नहीं मिल रहा है फिर भी केंद्र सरकार के तो सात हज़ार रुपया सात हज़ार करोड़ रुपया को दिया हुआ है जल जीवन मिशन के चलते हुए लेकिन अभी भी वहाँ जल का सुविधा नहीं है अभी भी कहीं का, खेती से कहीं झरना से कहीं कुआं से पानी लेके आना पड़ता है अच्छा आ, हमने देखा है कि कई जगह पे कई ट्राइबल ग्रुप्स की ये डिमांड है कि आने वाले सेंसस में आदिवासी एक अलग कॉलम किया जाए और उसके साथ साथ उनका जो धर्म है सरना धर्म वो भी अलग से आइडेंटिफाई इस पे आपका क्या कहना है देखिए ये तो अलग अलग हम हम तो बोला है जैसे सात सौ प्लस आदिवासी है सात सौ प्लस आदिवासी होने के बावजूद नाइन्टी 90... नाइन परसेंट ट्राइबल हिंदू को धर्म मान लिया है नाइन्टी नाइन परसेंट थोड़ा भी कम हो सकता है लेकिन कुछ कुछ एरिया में जैसे सांथाल लोग सांताल लोग को हिंदू तो नहीं माना है ये लोग का धर्म सारी और सरना सारी सरना लिए क्योंकि लड़ाई चल रहा है क्योंकि झारखंड उड़ीसा में वो लोग सरना को ये करता है और पश्चिम बंगाल में हुँ. सारी को हम लोग ये करते हैं मानते हैं हाँ. हैं ये तो अपना से झगड़ा है लेकिन ये अभी झगड़ा का भी बात नहीं है क्योंकि इसी सेंसस में कोई धर्म को नहीं रहेगा ना हिंदू रहेगा ना मुस्लिम रहेगा ना सौता रहेगा इसीलिए कोर्ट के चलते झगड़ा का अभी पर आपको ऐसा नहीं लगता है कि इनकी आइडेंटिटी है ट्राइबल्स ग्रुप्स की ये आइडेंटिटी है चाहे सारी हो या सरना हो ये होना ज़रूरी भी है क्योंकि उनके पूरी लाइफ स्टाइल उनका जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को तो आपको नहीं लगता कि सारी या सरना अलग से एक धर्म धर्म तो आइडेंटिफिकेशन तो, तो अभी ए, में नहीं हो रहा है लेकिन धर्म को जो संवैधानिक ये भी है आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स सेवन ट्वेंटी फाइव सिक्स सेवन में है ये का बात है जे अपना अपना धर्म कोई भी मान सकता है कोई भी उसका ये करता क्या बोलता है इम्प्लीमेंट कर सकता है इनकी इसीलिए सारी को तो कोई मना नहीं कर रहा है आप सारी को मत मानिए सारना को भी मत मानिए कोई तो मना तो नहीं कर रहा है ये मेरा अधिकार है लेकिन ये जो कोडिंग कोडिंग का बात थोड़ा अलग है लेकिन जो अभी तो हम लोग तो सारी जैसे सारी का जो ये है रिचुअल्स से, से हम लोग इसी हिसाब से करते हैं कोई सरना का हिसाब से करते थे कोई दूसरा कोई तो बना तो नहीं कर रहा है अभी तो नहीं किया है लेकिन इसीलिए तो सारी सरना धर्म धर्म तो घर का बात है ये 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 क्या बोलते हैं ये जब कोड मिले कि ना मिले सबको अगर को नाम मिले तो क्या फर्क पड़ता है आखिर में एक आ, मेरा एक ही सवाल है कि आप एक पर्टिकुलर बीजेपी से आप बिलोंग करते हैं कोई भी राजनीति दल जो हो वो जो मेजॉरिटी है उन्हीं का ज़्यादा चलता है पार्टी में भी तो उसमें ट्राइबल नेता हो के आप ट्राइबल हैं तो आप कितनी अपनी बात रख सकते हैं जो आपके ट्राइब से जुड़ी हुई हो मेजोरिटी का जो एक दबाव होता है जिसपे ट्राइबल नेता आज भी उस तरह उभर के नहीं आ पा रहे हैं क्या आपने ऐसा नहीं, वो तो है, है ये, लेकिन मेरा बीजेपी तो ये भी एक समस्या है हम लोग का मेम्बर्स बहुत है जॉब बोलने के लिए छोड़ा जाता है संसद में जो अच्छा बोलता है जो थोड़ा ये है एजेड है जो बहुत सारा साल संसदीय राजनीति कर रहा है बहुत सारा तीन चार बार एमपी बना हुआ है खास के उनको मौका दिया जाता है हम नया नया है इतना अभी हम बोल भी नहीं पाते हैं और हम उनका इन्फ्लुएंस भी नाम डाल पाता है क्योंकि दूसरा कोई पीटी पार्टी का दो चार ही मेंबर्स है हम लोग का तीन सौ से अधिक मेंबर्स है इसीलिए चुन चुन के तो वहाँ बोलने का मौका दिया जाता है ये ये बात है और क्या है कुना हेमरोम जी बहुत बहुत धन्यवाद मैं भी भारत से बात करने के